हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अक्षय की तबीयत अभी भी सही नहीं है। सो फाइनली जो है वो हमने ये डिसीजन लिया है कि हम घर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा और मैं भी फिर मुझे भी छुट्टियों की प्रॉब्लम हो जाएगी। सो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग घर जाएंगे ताकि वहाँ पे फिर उसकी प्रॉपर तरीके से टेक केयर हो सके। सो हमने ट्रेन कल ही कर ली थी और हमारी जो ट्रेन है वो आज की है 11:30 बजे की सुबह की, जो हमें शाम में पहुंचा देगी। तो हम लोग सुबह उठ के फटाफट पैकिंग वगैरह मैंने कर ली है और हम लोग बस अब निकलने ही वाले हैं, क्योंकि लगभग 10:45 बज चुके हैं तो टाइम नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे मैं बस रेडी हो चुकी हूँ, फटाफट मैं अभी नहा कर आई हूँ और मैंने काम वगैरह निपटा लिया है। और मैं फटाफट बस निकलूंगी यहाँ से। अब सो फ्रेंड्स, हम एकदम रेडी हैं और अब हम फटाफट निकलेंगे, क्योंकि ट्रेन हम लेट नहीं होना चाहते। तो अभी हमें जो है वो हमारे ऑफिस के भैया जो है राहुल भैया वो ड्रॉप कर देंगे बाइक से। फटाफट मैंने उनको बुला लिया है और हम बस अब निकलने वाले हैं, तो फटाफट चलते हैं अभी स्टेशन की ओर। सो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं फाइनली रास्ते में। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम जो है ये रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये फिरोजाबाद का रेलवे स्टेशन है। काफ़ी छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा नहीं है। ये देखिए, और ये देखिए, ये कुछ ऐसे जाएगी रास्ता। ये अच्छी बात है फ्रेंड्स कि हमें फिरोज़ाबाद से ही ट्रेन मिल गई, क्योंकि अगर आगरा जाना पड़ता तो फिर वही है कि एक बार यहाँ से पहले बस से आगरा जाओ, फिर वहाँ से स्टॉप पहुँचना पड़ता है। तो हमें ट्रेन मिल गई प्लस, और लकली ट्रेन में सीट भी थी तो टाइमली हमें मतलब सीट भी मिल गई। सो हमारी जो ट्रेन है वो 11:30 बजे की है और अभी मैंने इंक्वायरी काउंटर से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि ट्रेन जो एकदम टाइम पे है, डिले में नहीं है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 11:10 हो चुका है, तो हम लोग एकदम टाइम पे पहुंच चुके हैं। कि यही मैं चाह रही थी था कि बहुत भागदौड़ ना करनी पड़े, क्योंकि अक्षय की तबीयत भी ख़राब है, वो इतना भागदौड़ भी कर नहीं सकता। तो हम एकदम टाइम पे हैं और ट्रेन भी टाइम पे है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार स्टेशन के बाहर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्टेशन के बाहर का है, ये आप देख रहे हैं ट्रेन खड़ी हुई है। ये फिरोज़ाबाद का रेलवे स्टेशन है, ये देखिए। ये अभिषेक खड़ा है, लोग जा रहे हैं और हम अभी जो है यहाँ से आए हैं, नीचे से आए हैं। सो टाइम वेस्ट करते नहीं करते हैं और फटाफट हम लोग अपना पहुँच जाते हैं पहले जहाँ पे ट्रेन आनी है, बस धूप ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म का भी लगा हुआ है इंडिकेशन, इधर प्लेटफॉर्म 1 है एंड 2 है, और हम अब जो है नीचे उतरेंगे धीरे धीरे। चलो भाई, फ्रेंड्स अभी हम खड़े हैं फिरोज़ाबाद के रेलवे स्टेशन पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और रेल आने में अभी टाइम है क्योंकि 11:30 का टाइम है।
स्टेशन काफ़ी खाली खाली सा है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये काफ़ी छोटा स्टेशन है, इतना बड़ा नहीं है। ये देखिए खाली पड़ा हुआ है, कुछ ही लोग हैं यहाँ पर। अच्छा ये भीड़ भाड़ नहीं है तो हमारे लिए ही अच्छा है। ये देखिए ये स्टेशन है, ये अच्छा बात है कि थोड़ी हवा वगैरह चल रही है तो मौसम काफ़ी अच्छा है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि यही गर्मी ज़्यादा होगी तो फिर अक्षय की तबीयत ख़राब होने लग जाएगी। सो अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और ये जो है स्टेशन पर जो ट्रेन लग रही है हमारी ट्रेन है। सो अब हम फटाफट जाएंगे और अपनी सीट पहले बैठ जाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग यहाँ पे अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और ये अभिषेक है अपनी सीट पे बैठ चुका है। ये मेरी बर्थ है, मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ और ये ट्रेन जो है वो चल रही है। और अभी जो फ्रेंड्स टाइम है वो 12:15 हो रहे हैं लगभग, और हमारा जो ट्रेन तक पहुँचाने का टाइम है इलाहाबाद वो 6:30 का है। तो ट्रेन मेरे हिसाब से लेट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइम पे आ गई थी, टाइम पे पहुँचा भी देगी, और स्पीड भी काफ़ी अच्छी है ट्रेन की। तो वो होपफुली हम 6:30 पे जो है वो प्रयागराज जंक्शन पहुँच जाएंगे और वहाँ से हमें जो है बस मिलेगी, हम बस के थ्रू जाएंगे चाखट पहुँचेंगे। तो अभी काफ़ी टाइम है, 3 घंटे का समय है हमारे पास। फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन, ये देखिए, और पीछे जो है वो हमारी ट्रेन लगी हुई है। और अभी जो है वो 6:10 हो चुके हैं और बिफोर टाइम ही कहना चाहिए पहुंचा दिया है ट्रेन ने। सो अभी जो है बहुत ज़्यादा रात भी नहीं हुई है, क्योंकि अभी टाइम लगेगा हमें जाने में, क्योंकि अभी तो हमें ऑटो से पहले बस स्टॉप जाएंगे, उसके बाद वहाँ से हमें बस मिलेगी चाकट के लिए। तो अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है, बट फिर अभी देखिए हम पहुँच चुके हैं 8:07 हो चुके हैं, 18:07 मतलब 6:07 हो चुके हैं। तो यही है अभी टाइम पर हम पहुँच जाएँ और देखते हैं अभी यहाँ से निकलेंगे, ऑटो लेंगे, उसके बाद पहुँचेंगे हम प्रयागराज बस स्टॉप, जहाँ से हमें आगे के लिए बस मिलेगी गाइस। सो फ्रेंड्स ये जो है ये बाहर निकलने का रास्ता है, और क्योंकि हमें बाहर निकलना है यहाँ से, और वहीं से हमें ऑटो मिलेगा बस स्टॉप के लिए, प्रयागराज का जो भी बस स्टॉप है, और फिर हम उसके बाद जाएंगे।
कर जाना है। सर पिछले बार ऐसा नहीं था। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और अभी जो है हम बाहर से जो है ऑटो वगैरह मिलेगी बस स्टॉप के लिए। तो आज यहाँ पे भीड़ तो काफ़ी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं क्यों भीड़ है समझ में नहीं आ रहा, बट मौसम बहुत अच्छा बन गया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फाइनली हमें जो है वो बस मिल चुकी है जाने के लिए, अभी चली नहीं है और अभी जो टाइम है वो 7 बज चुका है। ये देखिए अभी हर एक बस इसके बाद चलेगी। सो ये देखिए हम लोग बैठ गए हैं सीट पे और अभी थोड़ी देर से चलने वाली है बस। सो फ्रेंड्स अभी जो है वो 7:30 बज चुके हैं और ये जो बस है वो चल चुकी है, आप देख सकते हैं। बस जो है चलने तो आई थी 1 से 1.5 घंटे में हम लोग जो है वो पहुँच जाएंगे चाकर। और ये देखिए कुछ नज़ारा बाहर कैसा है। फ्रेंड्स फाइनली हम जो है पहुंच चुके हैं चाक घाट और बस जो है वो रुक चुकी है, ये देखिए। और यहाँ पे बहुत लगता है बारिश हुई है क्योंकि पूरा एकदम गीला पड़ा हुआ है। अब हमें जो है यहाँ से थोड़ा पैदल चल के जाना पड़ेगा घर, उसके बाद हम घर पहुँचेंगे। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश लगता बहुत ज़्यादा हुई है तभी इतना ज़्यादा है, एकदम पानी पानी सा हो रखा है। और टाइम मैं आपको बताऊँ तो 10:45 बज चुके हैं और काफ़ी टाइम हमें लग गया आने में। बारिश के कारण स्पीड भी बस की धीरे थी, बहुत तेज़ नहीं चला रहा था जो कि सही भी था, ठीक था। सो फ्रेंड्स फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं और अभी जो है वो 10:10 हो चुके हैं। सो जो वहां से बस चली थी वो लगभग हमारी बस 7:30 बजे चली थी और क्योंकि बारिश के कारण भी और वो स्पीड भी उसकी धीरे थी तो हम लोग फाइनली जो है वो 10 बजे तक पहुँच पाए घर। तो फाइनली एटलीस्ट हम पहुँच तो गए और ऐसा भी नहीं कि बहुत डिले हो गया है। सो ये वीडियो इन तक के लिए रहा और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।